स्पष्ट है और जैसे मैंने ये कहा कि 2002 में बेस्ड है, ये कहीं ना कहीं एक फैक्ट भी है कि जो पहले जिसे उत्तर प्रदेश को कहते थे आर्टरी ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, द हार्ट ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, वो सब जानते हैं कि पिछले 20 साल में कैसे चीज़ें बदली हैं। तो ये बहुत ही स्पष्ट है, मुझे इससे ज़्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं। आप भी समझदार हैं, लेकिन मतलब आसान है वो लाइन इज पावरफुल इनफ एंड इट इज फैक्चुअल थिंग कि गुजरात में ये जो हादसा हुआ उसके बाद हमारा पॉलिटिकल लैंडस्केप पूरा चेंज हुआ, हमारा सोशल लैंडस्केप पूरा चेंज हुआ। तो आप फिल्म को जब आप उस सीन को पूरे कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो आप समझेंगे, बट फिर मेरे ख्याल मेरे हिसाब से जो लाइन काफ़ी है समझने के लिए कि जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है पूरा या सेंटर का जो रास्ता है वो गुजरात से, वो भी एक भविष्यवाणी की थी उस कैरेक्टर ने, वो कहीं ना कहीं सच में है। बहुत ही पॉजिटिव आ रहा हूँ, मुझे उम्मीद है कि ऐसा कुछ ना होगा क्योंकि कोई कारण नहीं है मेरे हिसाब से। अगर आप फैक्ट्स की बात कर रहे हैं तो फैक्ट्स आपको मिलने हैं। आई रियली डोंट सी इन फैक्ट दैट वी ऑल सेटल फ्रॉम आवर एंड टू गिव जस्टिस फ्रॉम आवर वी पुट आवर लिटिल होम कैपेसिटी कि मल्टन जो वहाँ हुआ उस वक्त जो हुआ वो कंस्पिरेसी क्या थी, जैसे मैंने कहा मिसइंफॉर्मेशन बहुत एक सेंट्रल और कि मीडिया का क्या रोल है इस चीज़ को, आई थिंक हम कहीं ना कहीं नज़रअंदाज कर रहे हैं ट्रेलर देख टीजर देखने के बाद ही कि ये फिल्म उसके बाद भी आप साबरमती एक्सप्रेस की बात करें उस बारे में हमने ज़्यादा बात नहीं की। मीडिया का क्या रोल, मिस इन्फॉर्मेशन में उस मीडिया का क्या रोल था जिनको हम इन्फॉर्मेशन के लिए रिलाई करते हैं। एक आम आदमी सुबह उठ के अखबार खोलता है, पढ़ता है या न्यूज़ चैनल चालू करता है सच्चाई जानने के लिए, एक भरोसा होता है जनता का, वो एक बटन दबा के या बात बोल के मीडिया क्या कह रही है उस पर रिलाई करते हैं। लेकिन उस वक्त मीडिया के कुछ ऐसे तत्व थे और ये सब जानते हैं कि उन्होंने किस तरह से बात को घुमाने की कोशिश की, छिपाने की कोशिश की, दबाने की कोशिश की। इसीलिए ये दो जर्नलिस्ट जो आपको दिख रहे हैं ये वो दो लीडर जर्नलिस्ट हैं जो एक्चुअल में बहुत थे, हमने उनके गलत को दिखाने की कोशिश की। इतिहास जो होता है ना इस मेरा ये मानना है इस इज नॉट जस्ट थिंग ऑफ पास्ट। ये इंग्लिश में कहावत है, कहते हैं कि हिस्ट्री इज अ प्रीपर्सन टू द फ्यूचर आल्सो। हमारे समाज में इतने रोबस्ट समाज में अनफॉर्चुनेटली जो चीज़ हुई ऐसे दोबारा ना हो, हमारी उम्मीद है कि चर्चा उस पर है, ना कि कोई पक्षपात है, ना कि कोई उंगली उठाए कि उनके बारे में कहा है उनके बारे में कहा, वो नहीं होना चाहिए। एकदम फैक्ट करके बात करने की कोशिश की और उम्मीद है कि आप लोग इस कहानी को इस फिल्म को उस नजरिए से ना देखें। किरण जी, आपको इस फिल्म को बनाने सबसे अच्छा क्या चीज लगा, दिल के छू? सर बहुत सी चीज़ें थी, जैसे मैंने कहा कि पत्रकारों को लेकर कहना कि मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू बदला है और ख़ासतौर पर जो रीजनल जर्नलिस्ट होते हैं जो हम बड़े बड़े शहरों में बैठते हैं 10 न्यूज़ चैनल्स की बात करने वाले हैं, लेकिन जब इस फिल्म की रिसर्च में हम लगे हुए थे जब काम कर रहे थे तो कहीं ना कहीं मुझे ये भी पता चला कि ये जो सो कॉल्ड बड़े न्यूज़ चैनल्स हैं वो भी अपना एक्चुअली ग्राउंड वर्क जो है वो रीजनल से ही आउटसोर्स करवा रहे हैं, लेकिन उनके बारे में कोई बात नहीं है। जैसे मैंने कहा दिन रात अपने घर परिवारों से दूर रह के वहाँ जाके रिसर्च करना, वो खबर देश तक लाना, देश से थैंक यू जॉब अनफॉर्चुनेट, तो कहीं ना कहीं मुझे अच्छा लगा कि एकता कपूर ने ये कहानी बनाने की कोशिश की, बताने की कोशिश की, हम सब ने मिलकर कहानी बनाने की कोशिश की। जर्नलिस्ट को लेकर मेरी रिस्पेक्ट हुई बहुत बड़ी और जैसे मैंने कहा कि उन सब लोगों के बारे में किसी ने बात नहीं की, मैं भी कहीं ना कहीं इस फिल्म के पहले उन लोगों में था जिन्होंने वो जो मासूम लोग थे उनके बारे में बात की, उनको हम भूल गए शायद। उसके बाद क्या हुआ, फिर क्या राजनीति हुई, फिर क्या पक्षपात हुआ, हम सब इसी में लगे, लेकिन उन लोगों के बारे में हमने बात की। तो एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर कहना कहीं इस चीज़ की खुशी है कि इस कहानी के जरिए उम्मीद है, उम्मीद है
उन परिवारों को, उन लोगों को जो इन चीज़ों से कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हुआ है, उनको एक क्लोजर मिले, एक जस्टिस मिलेगा इस कहानी के लिए। और जैसे मैंने कहा कि पूरी जनरेशन इस बारे में ये जानती है सर, मेरे 13-14 साल की भतीजे वो नहीं जानती इस बारे में। तो सिनेमा है, सिनेमा इज अ वेरी इंफ्लुएंशियल मीडियम, सिनेमा के जरिए ऐसी कहानियों को भी कहना चाहिए। चलिए धन्यवाद। एक लास्ट सवाल, आप जैसा मूवी है वो काफी, हमने यहाँ पक्षपात दिया और हम ना ही करते हैं ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर हम सीधे